है भाभी, आपको इस हालत में छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा। भाभी, मैं इशरत आपा को फोन करके मना कर देता हूँ कि हम लोग नहीं आ रहे। राशिद ठीक कह रहा है। नहीं नहीं, आप लोग क्यों फिक्र कर रहे हैं? वो बस ऐसे ही हल्का सा चक्कर आ गया था, मैं ठीक हूँ, दवाई है मेरे पास, मैं दवा ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और अब अयान भी अकेला नहीं है, हुमेरा है और मैं भी हूं ना। ठीक है रसिया, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हुमेरा जाओ, तुम अयान का ख्याल रखो, मैं ठीक हूं। जी। इशरत का फोन है। सलाम अलैकुम। सब आ रहे हैं ना? हाँ हाँ सब आ रहे हैं, सिर्फ रजिया के। वो तो पता है, रजिया ने सुबह ही कह दिया था कि वो नहीं आएगी। ठीक है, अब रजिया का चक्कर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, ना जाने अब कौन सी चाल ये चलने वाली है। लो जी, मंगलपुर आ गया, उतर जाइए। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ इस ट्रैक्टर पे क्या कर रहे हैं? आप इस गांव में क्या कर रही हैं? इस गांव में तो क्या मिस्टर खान, मैं किसी भी गांव में कुछ भी कर सकती हूँ। आप What did you say? गाँव? Oh, hello! Excuse me! ये कहाँ लेके आए हैं आप मुझे? मैंने आपसे कहा था ना मुझे हाईवे तक जाना है। उतरना आपको था तो ध्यान भी आपको ही देना चाहिए था। लेकिन आपका ध्यान मुझे इतनी गंदी से स्माइल क्यों दे रहे हैं? मैं आप पर नहीं, अपनी किस्मत पर हंस रहा हूं। मैंने सोचा था 3 दिन आपकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन मेरी किस्मत को ये मंजूर नहीं था। ओह रियली? मैं भी अपनी किस्मत के साथ कोई बेस्ट फ्रेंड स्टेटस पे नहीं हूं, जो एक बार फिर से उसे मुझे आपके सामने लाके खड़ा कर दिया। मेरी गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। रोज आपको बर्दाश्त करती है, मुझे तो इस बात का ताज्जुब है, पहले क्यों नहीं खराब हुई? देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे भी आपसे बात करके खुशी नहीं मिलती है। ओके, भोपाल वापस कैसे जाऊंगी मैं? मुझे क्या पता, आपको यहाँ पहुंचने में कोई तकलीफ नहीं हुई, I'm sure आप वापस भी पहुंच जाएंगी। आप हमेशा कहती है ना मैं आपको ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तो आज मैं आपको ट्रस्ट कर रहा हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि बिना मेरी हेल्प के आप भोपाल वापस पहुंच जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।
आप असद खान है ना जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं दिलावर भाईजान के यहाँ से आ रहा हूँ। चलो खान, शहरी बाबू का सामान ले लो। शुक्रिया। ये गोरी मैम भी आपके साथ? खैर चलिए, इंतजार कर रहे घर पे। जी चलिए। आपकी तबीयत कैसी है अयान? कुछ लाओ आपके लिए। अयान कुछ तो खा लीजिए। भूख नहीं हो मेरा। अयान बेटा, मुझे मालूम है कि बुखार में कुछ भी खाने का मन नहीं करता। देखो इसीलिए तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूं। ये लो। हुमैरा जी, अयान की दवा लेकर आओ। हाँ। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर गई हैं। चलो उठो, ये लो। उठो, अयान ये लीजिए। हुमैरा बेटा जी, अम्मी ये लो, ये तुम पी लो। अम्मी मैं कि और कोई है क्या यहाँ पर जिसे कहूंगी? पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें जरूरत है। अयान अब तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें सोने की जरूरत है। अम्मी अयान को क्या हो गया? होना क्या है हुमैरा, कमजोरी थी, दवाई दी है, नींद आ गई। तुम दूध पियो ना। जी। कुछ देर में नशा हुमैरा पर भी असर करेगा। अपनी अम्मी को माफ करना हुमैरा बेटा, मैं जो भी कर रही हूँ इसीलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हारा और अयान का निकाह हो जाए। कोई नहीं जानता है कि ये निकाह मेरे लिए कितना जरूरी है। चलिए, आप मुझे फॉलो क्यों कर रही हैं? मैं आपको फॉलो कर रही हूँ? कम ऑन, मैं तो इन भले लोगों के साथ जा रही हूँ। देखिए ना कितने स्वीट हैं, कितने प्यार से, कितनी रिस्पेक्ट से इन्होंने हमें आने के लिए कहा। वरना मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो लड़कियों को रिस्पेक्ट तो क्या, उन्हें अपने इक्वल भी नहीं समझते। अब ऐसे भले लोगों को दुआ सलाम तो करना ही पड़ेगा ना। एंड वैसे भी चलिए चलिए, मेरा अपना शादी की रस्में अटेंड करने का भी मन हो रहा है, तो सोच रही हूँ चलो इनके साथ ही। अब तक तो दवाई का पूरा असर हो ही चुका होगा, मैं देख कर आती हूँ। अरे वाह, थोड़ी देर पहले तो तुम्हारी तबीयत खराब थी और अब आप लोग सब बहुत जल्दी आ गए। वो क्या है ना रजिया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर अयान का कौन ख्याल रखेगा, इसलिए वापस आ गए। बड़ी बी ने कहा था कि उनका दिल बैठा जा रहा है, तो हमें लगा कि लौटना ही बेहतर होगा। क्या बात है रजिया,
हमारे आने से तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। रजिया, वाजिद से कहना कि चाय लेकर आए। जी। अभी तक तो मैंने अपना काम शुरू भी नहीं किया था और सब लौट आए हैं। ये अल्लाह, अब क्या होगा? अरे हसद, अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मरियम की शादी मुबारक हो। लाहौल विला कुवद। अरे पिछली बार जब तू मेरे सामने आया था तब मेरी मूछें बड़ी बड़ी हुआ करती थी। जी। जब तू मेरे सामने आते थे तब निक्कर में सुसु हो जाया करती थी। मामू अंदर चलें। हाँ हाँ चलते हैं। हाँ। चलो। अरे उसे भी तो देख के। बेटा असद, ये तुम्हारे साथ हैं? ये नहीं, इन्हें भोपाल जाना है, गाड़ी का इंतजार कर रही हैं। गाड़ी आते ही चली जाएंगे, हमारे साथ नहीं आएंगे। चलो आप अंदर चलिए, मैं आता। चलिए। आप प्लीज बहस मत कीजिएगा, मैं गाड़ी का इंतजाम करवाने वाला हूँ। जैसे ही गाड़ी आएगी आप जल्द से जल्द वापस भोपाल चले जाइएगा। लेट्स इट, प्लीज गो, प्लीज। पर अभी तक पूरी तरह से असर नहीं हुआ। अरे हुमैरा, अब तक पढ़ाई कर रही है? मैं कुछ खाने को लाऊं तेरे लिए? कब से पढ़? नहीं अम्मी, पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ रहा है। इसे खाने के लिए कैसे उठाएं? ये तो घोड़े बेचकर सोया हुआ है। ओहो, इसने इस हालत में घोड़े कब बेचे अम्मी? हाय, हमें तो खबर भी नहीं पड़ी। ये मुहावरा था शिरीन। ओहो, अरे अभी अभी तो इसे गरम गरम दूध दिया है मैंने, सोने देते हैं इसे। इससे क्या हुआ? इससे क्या होना है? बस इतनी पढ़ाई कर ली है, मैं तो कहती हूँ आग लगे ऐसी पढ़ाई पर। अब देखो ना क्या हालत हो गई है। चल बेटा, बस अब तू अपनी किताबें उठा और चल यहाँ से। हम लोग भी चलते हैं, अयान को सोने दीजिए। चल बेटा जल्दी आ तू भी। हाँ मैं। हुमैरा जल्दी आओ।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप शहर से आई हो? जी, मैं भोपाल से हूँ। आप लोग? हमारे घर में निकाह है हमारी बाजी का। हमारा नाम मलिका है और ये महनाज। मेरा नाम जोया है। ओके। आप किसी का इंतजार कर रही हैं? गाड़ी का। आप रात को हमारे साथ ही क्यों नहीं रुक जाती? गांव की शादी में भी शामिल होके देखिए। वो एक्चुअली हाँ ये सही रहेगा, आप हमारे साथ चलिए। चलिए चलिए एक मिनट। मलिका, महनाज, मैं निकाह में शामिल नहीं हो सकती। वो जो सामने नजर आ रहे हैं ना, वही जहाँ पना सिक्स पैक्स, वो नहीं चाहते कि मैं इस निकाह में शामिल हूँ। क्यों? बस ऐसे ही, उनके साथ मेरा जग, उनके ना यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। मेरे पास एक तरीका है जिससे आप निकाह में भी शामिल हो जाओगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। चलो चलो चलो, चलो। अच्छा, वो चली गई। बाजी है मरियम, इन्हीं का निकाह है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जोया है। शी सफरुजी, मरियम तुम बहुत अच्छी लग रही हो। दुल्हन के लिबास में तो और भी खूबसूरत लगोगी तुम। हमें तो हमारे जीजा जी की फिक्र है, हमारी बाजी बड़ी शर्मीली है, पता नहीं वो इनसे बात कैसे करेंगे। हाँ, जब से अम्मी और अबू ने निकाह तय किया है तब से तो और भी चुपसी हो गई है। तुम्हें वो पसंद नहीं है क्या? पसंद तब करेंगी ना जब वो उनसे मिलेंगी। यहाँ निकाह से पहले मिलना तो दूर, एक दूसरे से बात भी नहीं किया जाता। What do you mean, बात भी नहीं करते? इतना छोटा सा तो गांव है, अगर दूल्हे मियाँ भी कहीं आसपास के हैं तो कभी ना कभी तो मिले होंगे ना। कैसे मिलेंगे, बचपन से लड़के अलग और लड़के अलग रहते हैं, एक साथ आना जाना भी नहीं होता, बस चांद रात को दूर दूर से आदब हो जाता है। वेरी स्ट्रेंज। ए लड़कियों, तैयार हो जाओ, महफिल सजने वाली है। कौन सी महफिल? शादी की महफिल। वाओ, शादी का जश्न। चलो मैं भी चलती हूँ। एक मिनट बाजी, आप ऐसे वहां नहीं जा सकती। इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये गांव है, आपका शहर नहीं। यहाँ पे ऐसे कपड़े पहनना गुनाह नहीं है, लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं है। ओह, तभी मैं सोचूं, मैं जब से आई हूँ लोग मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं। मुझे नहीं पता था यहाँ लोगों की सोच अब भी ऐसी है। अल्लाह मियाँ, हाउ कैन आई फॉरगेट मिस्टर खान, वो भी तो है जहाँ बना सिक्स पैक्स। अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना यहाँ, तो मुझे आज तो पक्का दीवार में चिनवा देंगे। पर मुझे वो जश्न भी देखना है, मैं फंक्शन में शामिल होना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? <laughs>